वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। आज की इस एक वीडियो में हम करने वाले हैं, पीछे जो मेरी पास ये खड़ी हुई बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसका रिव्यू। ये बिल्डिंग बहुत अच्छी दिखती है, इसमें बहुत सारे शीशे लग रहे हैं। जोक्स अपार्ट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मानसून केयर के बारे में बताना चाहूंगा, कैसे कर रहा हूँ, कैसे करूंगा, इन फ्यूचर इम्प्रूव करूंगा, तो उसमें भी आपको एक नई वीडियो जरूर बनाकर बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान देकर अपनी कार के, शायद आपने हमारी सारी चीजें रिवील करते हुए देख ही ली होगी। हमने गुटके लगा दिए पीछे की तरफ गाड़ी में, अलॉयस चेंज कर दिए, साथ ही में आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से मैंने अपनी इस कार के अंदर मानसून से जस्ट पहले इसके जो वाइपर्स थे उन्हें चेंज करा, और इसमें होंडा टाइप वाइपर्स या कह सकते हो फ्रेमलेस वाइपर जो कुछ मैंने डाले थे, एक 20 है, एक 16 इंच के वैगनर के लिए, स्विफ्ट के लिए मैंने आपको बताया था 22 और दूसरा 17। जितनी भी चीजें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सबका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा। और अगर आपकी कार का वाइपर खराब हो चुका है तो आप मानसून में ढंग से ड्राइव नहीं कर पाएंगे। ड्राइव करेंगे ये जो वाइपर है क्लीन तो करेगा, लेकिन वापस आते में आपका वाइपर फिर से गंदा कर देगा आपकी विंडशील्ड को। फ्रंट विंडशील्ड बहुत जरूरी पार्ट होती है हमारी कार का, और अगर इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते तो टाइमली बेसिस पर होता क्या है, इसके ऊपर छोटे छोटे स्विल मार्क्स क्रिएट होने लग जाते हैं जिनको निकालना कोई इजी टास्क नहीं है। उसका एंड होता है विंडशील्ड को चेंज करा के। मैंने अपनी कार के अंदर जो वाइपर फ्लूड होता है वो हमेशा भर कर रखा है, या फिर हमेशा मैंने उन्हें मिनिमम से मिनिमम पानी के ऊपर तो चलाया लेकिन सूखा नहीं चलाया। इसलिए अगर मैं अपने इस विंडशील्ड की बात करूं, इस पे कोई स्क्रैच नहीं है। मानसून केयर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पैकेट के जो वाइपर फ्लूड होते हैं वो आपको नाना करते हुए मिलेंगे, 200 रुपए 50 रुपए, सबके डिपेंड करते हैं, सिर्फ ब्रांड ब्रांड का नाम होता है। और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा वाइपर फ्लूड जरूर डालना अपनी कार के अंदर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। भाई वाइपर फ्लूड के लिए आज मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड बेचना चाहते हैं या कमर्शियली कहीं और हर किसी गाड़ी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट करे हुए उनका पालन करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं फॉक्स केयर की इस एक प्रोडक्ट की बात करूं, IF ISO और साथ ही में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट तो ये है ही है। दोस्तों इस प्रोडक्ट के सारे इंस्ट्रक्शन आपको इसके ऊपर ही लिखे हुए मिल जाएंगे, इसका प्राइस वगैरह या foxcare.in से भी आप इसे खरीद सकते हो। नीचे मेरा एफिलिएटेड लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चाहो तो वहां से भी खरीद सकते हो, थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो आप उस चीज में। अगर आपने कोई पुराना विंडशील्ड वॉशर डाल रखा है आप उसे यूज कर लो पूरा या खत्म कर लो, जब तक खत्म नहीं हो रहा तब तक उसे यूज कर सकते हो आप, फिर पानी डाल के चला सकते हो और उसके बाद आप फुल टैंक करके आप 100 ml इसका यूज कर सकते हो। जो इसका मटेरियल है बनाया हुआ, 100 ml आपको यूज करना है, फिल रिमेनिंग टैंक विद वाटर, यानी आपको 100 ml इसे यूज करने के बाद बाकी बचा हुआ सारा का सारा टैंक पानी से फिल करना है। डस्ट वगैरह को ये डिसॉल्व करता है, और आप इसका एक नहीं आप इसे मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। जो कोई मेरे ऑफिस वाले भाई हैं तो इसे ऑफिस में भी अपनी विंडशील्ड या डेस्क वगैरह इन सब की क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट फॉर कार, इट इज फॉर ऑल टाइप ऑफ विंडशील्ड, चाहे वो आपकी कार का कोई शीशा हो, चाहे आपके घर का कोई टेबल हो। मैं भी जब क्योंकि एक प्रोडक्ट को खरीदता हूँ तो मैं उसका मल्टीपल टाइप से यूज कर देखता हूँ कि क्या मुझे वो रिजल्ट जो मेरे को कार वगैरह ये जिसके लिए वो बना उस पर मिल रहा है नहीं मिल रहा। वाटर टैंक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी और कुछ नहीं है। तो ये हमारा जो वाइपर है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो भाई फटाफट मैंने पॉप करने अपने इस हुड को, काफी वक्त से मैं यूज कर ही रहा हूँ अपने इसको, और इसके अंदर मैं पानी ही डालकर चला रहा हूँ। तो इसे खोलना है पहले, इस कैप को आप निकाल सकते हो, वापस कैप लगाई इसकी, मैंने इसे यहाँ तक डाल दिया भाई, 100 ml हो गई होगा, कैप को लगाई वापस। इसे कैप को वापस बंद करने से पहले मुझे इसमें पानी भरना है, नॉर्मल मेरे पास पीने का पानी है भाई। यहाँ भाई देख सकते हो पूरे हलक तक भरा है। हुड को किया वापस डाउन। इससे पहले भी मैं फॉक्स केयर के प्रोडक्ट्स यूज करता हुआ आ रहा हूँ। ये डेडिकेटेडली है विंडशील्ड क्लीन के लिए, ये डेडिकेटेडली है हमारी कार पर फॉर्म क्रिएट करने के लिए। साथ ही दोस्तों से एक वीडियो के अंदर मैंने इसका पॉलिश प्लस सीलेंट के बारे में भी आपको यूज करके उसके आफ्टर रिजल्ट्स भी दिखाए थे, और अपनी कार को इतना ज्यादा शाइन करते हुए वो भी एक लंबे टाइम तक सिर्फ नॉर्मल कपड़ा मारकर। कहीं दूर से अगर मैं आता भी था तो अपनी कार को नॉर्मल क्लीन करके मेरी कार बहुत ज्यादा दिन तक साफ रही थी। मैंने अपनी कार प्लस दूसरे जो मेरे हाउस होल्ड आइटम है उनके लिए भी इन्हें यूज कर देखा। तो मैंने सिर्फ कार ही नहीं अपनी स्कूटी के ऊपर भी इस एक फॉर्म ब्लास्टर को यूज किया, और यहाँ तक कि अगर मुझे कोई चीज पॉलिश करनी थी तो मैंने इसका भी यूज करा। ये भी सेम सर्टिफाइड है, उस एक वीडियो के अंदर मैंने इन दोनों प्रोडक्ट को डेडिकेटेडली यूज किया था, लिंक ऊपर आ रहा होगा, जाकर चेक कर सकते हो। आज मैं करूंगा क्या, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास पता क्या आएगा। तो दोस्तों अब मैंने जाकर फाइनली फॉक्स केयर का वैक्स प्लस वॉश। तो अगर आपकी कार लाइक सेरामिक कोट हो रखी है, पीपीएफ हो रखी है, या फिर भी आपको अपनी कार के ऊपर कोई पॉलिशिंग या वैक्सिंग करनी पड़ती है, भाई हमें इतनी स्वेटिंग हो रही है आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते यार, बहुत गलत बात है। मोटिवेट करना चाहिए किसी इंसान को ताकि मैं आप ही लोगों के लिए और दूसरी सारी वीडियोस लाता रहूं। फ्रेंड है भाई, मेरी इन्वेस्टमेंट है ये वीडियोस के ऊपर। इस एक प्रोडक्ट के साथ अपनी कार को वॉश करना है, दैट्स ऑल। आपकी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए एक सिंपल प्रोडक्ट है। वॉशिंग का काम तो फिर भी 1.5 से 2 घंटे में हो जाता है अगर आप अच्छे ढंग से गाड़ी धोते हो जस्ट लाइक मी, लेकिन उसके बाद जब आप वैक्सिंग
रखते हो, फिर आप साफ करने बैठते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। 40 से 50 ml आपको फॉक्सकेयर वॉश एंड शैम्पू 1 लीटर पानी के अंदर डालना है। इसका दूसरा इंस्ट्रक्शन कहते हैं अपनी कार को अच्छे तरीके से साफ कर लो, मिट्टी वगैरह ना बचे ताकि वो आपकी कार के पेंट को फ्यूचर में स्क्रैच करे। आपको थोरली साफ कर देनी अपनी कार को, तो आपको सिर्फ पानी मार देना है अपनी कार के ऊपर। पहले 1 लीटर पानी के अंदर डालकर रख लेना है। आप उसे फॉर्म गन से यूज कर सकते हो अपनी कार के ऊपर, किसी भी बाल्टी के अंदर उसे डाल के आप एक नॉर्मल जो अपनी स्पंज होती है उससे अपनी कार के ऊपर लगाकर सही ढंग से अपनी कार को कर सकते हो साफ। दोबारा पानी से धो। दैट्स ऑल, आपको अपनी कार को ना वैक्स करने की जरूरत है, ना ही आपको अपनी कार के ऊपर घंटों लगाने की जरूरत है, क्योंकि यूजुअली अगर हम कभी भी कहीं जाते हैं अपनी कार को धुलवाते हैं, मोस्टली लोग, इवन कंपनीज की भी बात करूं, कुछ आउटसोर्स करवाकर आपकी कार धोते हैं और वो ज्यादातर हार्ड वाटर यूज करते हैं, ये एक सच्चाई है। तो कौन चाहेगा कि अपनी ब्रांड न्यू कार को कहीं और धुलवाकर, कहीं और हार्ड वाटर से क्लीन करवाकर कार को खराब कर देना। ऐसे सिचुएशन में अगर आप कंपनी पर जाकर भी बोलोगे कि ये मैं प्रोडक्ट कोई महंगा सा लाया हूं, आप इससे मेरी कार धो दो, वो कहेंगे हम नहीं करते इतना। वो सीधा साफ बोलते हैं कि आपको धोनी है, आप खुद धो ले जाकर, हम आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। इस एक प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमने अपनी कार को धोना पड़ेगा बढ़िया ढंग से। मेरे पास 2 से 3 सोल्यूशन है, बताऊं क्या। किसी भी बकेट के अंदर आपके पास फॉर्म कैनन हो, आप उसके अंदर भरकर आप रख सकते हो। बाल्टी भी हो तो उसके अंदर भी आप 40 से 50 ml एक हैचबैक के लिए कंसिडर कर सकते हो। फॉर बेस्ट रिजल्ट यू कैन यूज 100 ml। जस्ट लाइक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपने अपना मुंह धोया है, लेकिन जिस चीज से आप मुंह धो रहे हो वही आपका फेस भी साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी कर देगा। 2 तरीके के माइक्रोफाइबर यूज करता हूँ कार वॉश करने के लिए। पहला माइक्रोफाइबर ये रहा हमारा, ये टोटल 1700 GSM का है, और ये माइक्रोफाइबर कुछ ऐसा है कि आप जब भी अपनी कार को वॉश करने लगते हो तो आप किसी स्पंज को ना यूज करके या फिर अपने हाथों को बार बार ना गंदा करके आप इस तरीके से हाथ में इसे पहन सकते हो। आपकी कार के ऊपर जिस भी तरीके की कोई फॉर्म हो आप उसे स्प्रेड कर सकते हो, जैसे कि आज की सिचुएशन में मैं इसे यूज करूंगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बाय सॉफ्ट स्पून्स, बहुत अच्छी कंपनी है जो कि माइक्रोफाइबर टॉवल बनाती है, माइक्रोफाइबर के स्पंज बनाती है, पैड्स बनाती है। दूसरा, मेरे पास 340 GSM का अपना माइक्रोफाइबर क्लोथ है जिसका मैं यूज करता हूँ अपने किसी भी मटेरियल को। मुझे इस पे जस्ट लाइक स्प्रेड कर दिया मैंने इसके ऊपर कोई पॉलिश को या फिर किसी भी वैक्स को, उसकी जब मुझे क्लीनिंग करनी होगी या फिर इवन अगर आप सेरामिक कोटिंग की भी बात करते हैं तो जब हमें सेरामिक कोटिंग को उतारना पड़ता है तो हम ऐसे GSM होता है बेसिकली किस तरीके की क्वालिटी माइक्रोफाइबर टॉवल की है, कितना वो सॉफ्ट है कितना नहीं। जैसे ये 1700 GSM है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एज कम्पेरेटिवली 340, लेकिन ये जो एक माइक्रोफाइबर है मैं बहुत वक्त से यूज कर रहा हूँ और इन दोनों चीजों से मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं इसे इवन अपने इंटीरियर क्लीन के लिए भी यूज करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे। आ जाओ, जैसे मेरी ये जो सीट्स हैं ये दिखने में तो बहुत साफ है, लेकिन एक्चुअली में अगर कोई बंदा इसमें बैठेगा तो इसके कॉर्नर्स किनारे के अंदर आपको धूल मिट्टी दिख जाएगी। यहाँ तक की इवन बात करूँ मेरा डैशबोर्ड इस टाइम पर बहुत ज्यादा गंदा है। इसके हर एक माइक्रोफाइबर पर आपको इसकी लेवलिंग मिल जाएगी सॉफ्ट स्पून की, पीछे इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है सॉफ्ट स्पून इज मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो बनाता है भाई मैं तो उसे एक हर ब्रांड को सपोर्ट करूंगा, ओपनली सपोर्ट करूंगा। और ये है हमारा 340 GSM, ये अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल होता है। दूसरा हमारे पास येलो, तीसरा हमारे पास रेड भी है। मैंने तो ये एक पैक खरीदा था, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अमेजोन से खरीद सकते हो आप इस चीज को। 355 रुपए के आसपास का था जो मैंने खरीदा था उस वक्त। तो ये मेरे पास तीनों 340 GSM के हैं। कुछ सेकंड के लिए दोस्तों चर्चा करना चाहूंगा फॉक्सकेयर के इंटीरियर क्लीनर की। बहुत सारे इंटीरियर क्लीनर्स अवेलेबल है, अफोर्डेबल और साथ ही साथ सर्टिफाइड बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो फॉक्सकेयर ने ही इंटीरियर क्लीनर भी बनाया है अपना, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। मैंने इसे थोड़ा सा यूज करके देखा था। मेरी कार के अंदर अभी काफी गंदगी है, पीछे की तरफ भी बात करूं अंधेरा धीरे धीरे होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको इसका रिजल्ट जरूर दिखा दूं। मेरी सीट की अगर एज ऑफ नाउ कंडीशन की बात करूं दिखने में साफ है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी डिब्रीज, कालापन। इस सिचुएशन में मैं यूज करूंगा इंटीरियर क्लीनर बाय फॉक्सकेयर। प्लास्टिक पार्ट हो, डोर ट्रिम हो, डैशबोर्ड हो, सीट्स हो, सबको क्लीन करके आपके कार की एक नई लुक निकाल कर देता है। ये एक स्प्रे टाइप मटेरियल है, तो इसको आप डायरेक्ट अपनी सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, डैशबोर्ड पे अप्लाई कर सकते हो। टाइप के डिटेलर अगर हैं या कोई दुकान वाले भी आप इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं, किसी के लिए भी आप इस काम को कर रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं भाई कुछ ऐसे डिटेलिंग ब्रश को। अगर आप इसे DIY कर रहे हो तो आप ऐसे किसी ब्रश का भी यूज कर सकते हो भाई। मैंने एंड में यूज करना है अपने माइक्रोफाइबर को, सॉफ्ट स्पून के माइक्रोफाइबर 340 GSM को यूज करूंगा। ट्राई करते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। देखो मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही माइक्रोफाइबर चलाया है, ठीक है, नीचे के हिस्से के ऊपर से अभी साफ़ नहीं कराया। अभी जब मैं साफ़ करूँगा ना आप खुद फ़र्क देख लेना। ये है रेडी, देख लो भाई ये रिजल्ट्स। ये गंदगी आप देख सकते हो, एक फ़ोटो लगाता हूँ, ये बिफोर की हमारे सीट बेल्ट की और ये आफ्टर की।
धोते फटाफट, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। The only reason I use this pressure washer is, इससे पानी बहुत कम बेकार होता है। मैं ऑलरेडी पानी बचाने के ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ, तो एक ऑलमोस्ट एक से दो टब के अंदर आप अपनी पूरी गाड़ी को धो सकते हो, अगर आपको धोने की प्रॉपर स्किल्स और तरीके हैं। जैसे मेरी कार के अंदर ना बहुत सारी मिट्टी वगैरह लगी हुई थी और मैं तो था परेशान भाई, हर तरफ गोबर गोबर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था, वो होना ही था, लाजमी था। मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ ऐसा रीजन क्यों था क्या था। ये लग गई थी कुछ दिन पहले, जितनी भी धूल मिट्टी थी हमने कार के ऊपर से तो हटाई दी है। हम करने वाले वैक्स प्लस वॉश। मैं आज प्रेशर वॉशर से आपको इसे धोकर नहीं दिखा रहा। मिनिमम 40 से 50 ml, ग्रेट रिजल्ट्स के लिए 100 ml तक आप यूज कर सकते हो। धोने में मेरे को हेल्प करेगा जो हमारा सॉफ्ट स्पून, इधर आप देख सकते हो भाई, ये ब्रांड का एक्चुअल नाम है, ये इसकी सारी डिटेल्स है। सॉफ्ट स्पून के जो क्लोथ है 100 से ज्यादा वॉशेस दे देता है, अल्ट्रा अब्सॉर्बेंट है, नॉन एब्रेसिव है, अल्ट्रा अब्सॉर्बेंट है, बैक्टीरिया फ्री है, स्ट्रीक फ्री है, बदबू नहीं आती कोई भी, अल्ट्रा सॉफ्ट है, लिंट फ्री, फास्ट ड्राई। गीले कपड़े को क्लीनिंग के लिए और सूखे कपड़े को साफ सफाई के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको एक्चुअली में हम ग्रे डोव बोलते हैं, वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट है। जहां आज मैं इसे यूज कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं इसे भी यूज करूंगा, तो ये दोनों की दोनों चीजें मेरे को बहुत हेल्प करेगी अपनी कार को क्लीन करने में। एलोयस के अंदर जैसे कि अभी हम हाथ घुसेड़ते हैं या कभी सर्दी के टाइम पर हम अपनी कार को धोते हैं तो हमारे हाथ वात में लग जाती है, तो ये उस चीज से बहुत बहुत हद तक बचाता है हमें। ये आता है पेयर ऑफ टू, एक मैं घर में यूज कर रहा हूँ, 370 रुपए के दो आते हैं ये, और अच्छी बात है आप अमेजोन से खरीद सकते हो। वॉशिंग मशीन फ्रेंडली है, इससे स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं पड़ते। अब इसको मिलाते हैं जरा इसके अंदर, इसको फटाफट यूज करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमको। ये जैसे कि मान लो एक पत्ती है, आपके हाथ कटने का जो चांस होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। देखो इस चीज में हेल्प करता है। वही रेड वाला माइक्रोफाइबर यूज करूंगा जो मैंने इंटीरियर के लिए डेडिकेट करा है, वही फॉक्स है टोटल इंटीरियर क्लीनर। इसके इंटीरियर देख सकते हो भाई कैसा कैसा हो रहा है, कपड़ा कपड़ा उतर रहा है। आप बताओ कि इसके इंटीरियर के ऊपर काम करना चाहिए या हमें पैसे जोड़कर पापा को दूसरी गाड़ी देनी चाहिए, कमेंट डाउन करके बताना जरूर। ये जो है हाइजीन के साथ साथ क्लीनिंग के साथ साथ आपकी कार को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है इन सारे बैक्टीरिया से। इधर के साइड के लोग आपने देखे, अब इधर के लोग देखो, इनकी कंडीशन देखो कैसी हो रही है। यहाँ मिट्टी देखो, जमीन यहाँ देखो, यहाँ नीचे देखो, ये देखो गंदे से टायर, टोड़े लगे लगाते ना तो ये उछल उछल के यहाँ लगता है। ये गंदगी देख रहे हो पूरी कार में भरी पड़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ धोई है, ये स्क्रैचेस अवॉइड करो। लेकिन इसका जो सरफेस है ना आप भाई खुद ही देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना क्लीन लग रहा है। मेरी कार के शाइन यहाँ से देख लो, कहीं मत जाओ तो लो, लेकिन यहाँ तुम शाइन देख सकते हो भाई कार की। सिर्फ धोई है और कुछ नहीं करी है, लेकिन धोई जिस चीज़ से स्पेशल मटेरियल से उसने क्लीन तो करी है, साथ ही साथ पॉलिश भी कर दिया कार को। देखो इसकी एक्चुअल जैसी चमक होती ना इंटीरियर की, बिल्कुल वापस आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे एक काम और करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल आप देख सकते हो मैंने एक एक छोटी छोटी एजेस है ना रह रहकर डिटेलिंग सीख सीख कर, इतना तो काम मैंने सीख ही लिया है। यहाँ तक कि इस पोर्शन की भी बात करूँ, जितने अगर आप ये स्क्रैचेस देख रहे हो ना, ये जो हमारे प्लास्टिक पार्ट्स हैं इंटीरियर के, इसके ऊपर ही लगे हुए हैं। इन चीजों की बात करूँ ना ये एकदम क्लीन है। अगर इस एक पोर्शन की बात करूँ, काफी काफी काला पड़ चुका था, इस एक पोर्शन तक मेरे हाथ गए, सारे हिस्से एकदम साफ है, मैंने ये भी साफ किया था। हमने अभी तक अपने इंटीरियर को पॉलिश नहीं करा है, एक ऐसी लेयर क्रिएट करता है जिससे आपका इंटीरियर खराब नहीं होता। ये मैंने अपने इंटीरियर को क्लीन करने के लिए यूज किया था, बाहर का जो पोर्शन था उसे सुखाने में यूज किया था, और ये वाला जो है अब मैं अपनी कार को पॉलिश करने में यूज करूंगा। विंडशील्ड क्लीनर बहुत बढ़िया चल रहा है, ये रही जिसकी अब बारी आएगी, ये मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था और मैं अब भी करके दिखाऊंगा। और टायर अगर अभी आप देख सकते हो कैसे लग रहे हैं, वो यहाँ आप खुद देख सकते हो भले भांति ढंग से, लेकिन अभी मेरे टायर ड्रेस नहीं है। कार के ऊपर ना काफी सारी धूल मिट्टी तो इकट्ठा हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली बाहर खड़ी रहती है तो, लेकिन जैसे मैंने अपनी कार को निकाला और उसके ऊपर मैंने हल्के से कपड़ा लेके ऐसे डस्टिंग करी, सारी की सारी धूल साफ हो गई। इन पोर्शन को पॉलिश करना है, इंटीरियर को पॉलिश करने के लिए मैं घर से ये स्पॉन्ज स्क्रब चुरा के लाया हूँ, ये वाली साइड यूज नहीं करनी, इसकी स्प्रेड कर देनी है अपनी जो फॉक्स केयर की पॉलिश प्लस सीलेंट है वो, मैंने इसको यूं डालनी है इसके ऊपर। स्पॉन्ज को यूज करने का फायदा ये है बहुत कम मात्रा में लगती है, और स्पॉन्ज से ना बहुत ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हो, साफ कर सकते हो। फटाफट कर देता हूँ पॉलिश,
फिर आपको इसके रिजल्ट भी दिखाता हूँ। आ जाओ दोस्तों, यहाँ पे आप एक छोटा सा डिफरेंस देख सकते हो। ये यहाँ से इधर का एरिया पॉलिश्ड है, ये एरिया पॉलिश नहीं है। एक बार इसे भी पॉलिश करता हूँ, आप फर्क समझ सकते हो क्यों मैं कह रहा हूँ पॉलिश के लिए। क्योंकि सनलाइट जब पड़ती है तो हमारे इंटीरियर का जो पार्ट है उसको वो डल करने लग जाता है, फेड करने लग जाता है। तो ये क्लीन तो हमने कर दिया, पॉलिश मैं कर देता हूँ पूरे अपने डैशबोर्ड को, फिर मिलता हूँ आपसे। तो अभी जैसे आपने देखे कि हमारे टायर कैसे लग रहे थे, एंड आफ्टर आई जस्ट ड्रेस द टायर विद पॉलिश प्लस सीलेंट बाय फॉक्स केयर, तो कैसी लग रही है। ये जो पोर्शन है धूप में पड़ पड़ के इन पोर्शन पे कर दिए, तो ये जो हमारे प्लास्टिक और ट्रिम पोर्शन है इनके ऊपर पॉलिश करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये हिस्सा देखो, यहाँ मैंने पॉलिश नहीं करी है, बाकी का हिस्सा देखो तो वो प्रोटेक्टेड है। ये हमारी सीट्स है, इसके ऊपर मैंने पॉलिश तो करी है, इस पे हर एक तरफ, इधर भी करी है। ये पार्ट जो है हमारा पूरा प्रोटेक्ट हो चुका है। हमारे एलॉयज पीछे से देख सकते हो कैसे लग रहे हैं। तो पॉलिश एक ऐसी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, रिकमेंड करूंगा, करना जरूर। इससे मैंने क्लीन करा था इसलिए अब मैं इसे यूज नहीं करूंगा। उसके अंदर डेब्रिज थी हमारी इंटीरियर क्लीन के मटेरियल की। ये बिल्कुल क्लीन माइक्रोफाइबर है, यही एक रीजन है कि इसके साथ मल्टीपल माइक्रोफाइबर टॉवल्स आते हैं। इस पूरे के पूरे इंटीरियर को करूंगा क्लीन। पॉलिश से हम फ्रेग्रेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लीनर के अंदर हल्की सी हमारी स्मेल रहती है। तो मेरे पास अब भाई एयर फ्रेशनर है ऑब्वियसली अपनी गाड़ी के लिए। मेरी कार के अंदर वैसे भी कुछ खड्डे फसाद हो चुके हैं, चूहे हुए बड़े पड़े थे। सिंपल टेस्टिंग करिए, शाइन आप देख सकते हो, गाड़ी लग कैसी रही है, साइड से, कॉर्नर से, हर एक एंगल से बताना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरी। बाकी सारे के सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप अमेजोन से उन्हें परचेज कर सकते हो। बाकी आप यूज करो, अपना रिव्यू भी शेयर करना इन्हीं कमेंट सेक्शन में। अगर आप खरीदे बैठे हो, खरीदने वाले हो, खरीद चुके हो, या आपके किसी दोस्त ने यूज करा है, तो गिफ्ट भी कर सकते हो अगर आप किसी को चाहो तो, कोई कार लवर भाई हो तो जरूर। बाकी बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। करते इस वीडियो को यहीं एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। और हाँ, हमारी वेबसाइट चेक करना मत भूलना, उस पे DIY रिलेटेड बहुत सारे सामान आपको मिल जाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। नोटिस कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक, ओ चलान, ये जिंदगी का दुख क्यों नहीं जाता रे।